इन दिनों जिले के कई अनाज खरीदी केंद्रों पर सहकारी समितियों द्वारा किसानों के अनाज खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग सभी अनाज खरीदी केंद्रों पर सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी फसल लेकर आ रहे हैं। शुक्रवार को उंडासा सहकारी समिति द्वारा मां हरसिद्धि वेयरहाउस पर अनाज की तुलाई के दौरान गोदाम मालिक और सर्वेयर के बीच खरीदी को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल जिले में भोपाल की कंपनी आरबी एसोसिएट्स द्वारा खरीदी केंद्रों पर सर्वेयर की नियुक्ति की जा रही है, जो गेहूं की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। वेयरहाउस मालिक भूपेंद्र वर्मा का कहना था कि आरबी एसोसिएट्स द्वारा जो सर्वेयर लगाए गए हैं, वे ठीक तरीके से गेहूं की जांच नहीं कर रहे हैं और उन्हें अनाज की परख भी नहीं है। यदि खराब गेहूं उनके गोदाम में रखा जाएगा तो इसका खामियाजा बाद में उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। सब सर्वेयर हमारी बैकबोन है, सर्वेयर के हिसाब से हम खरीदी कर सकते हैं। सर्वेयर जो पास करेगा या पास नहीं करेगा, हम उसके लिए उत्तरदायी हैं। अगर सर्वेयर अच्छा माल पास करे तो आगे चल के हमको भी कई दिक्कत नहीं आती सरकारी डिपार्टमेंट्स में, आगे हमारा माल भी व्यवस्थित उठ जाता है एफसीआई से नॉर्म्स पे क्लियर होकर। अगर सर्वेयर थोड़ा बहुत भी अगर गलत माल पास करता है तो हमको आगे चल के उस चीज की बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ता है, हमारे ऊपर चालानी कार्रवाई होती है, हमको अर्थदंड लगता है, सब लगता है। तो हमारा खाली यही बोलना है कि एक व्यवस्थित सर्वेयर जो गेहूं की पहचान कर सके, जो एफएक्यू के हिसाब से गेहूं को ले सके, जिसको नॉर्म्स का पता हो, वो हमारे यहाँ पर अपॉइंट किया जाए। जबकि तुलाई कर रहे सर्वेयर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कतिपय लोगों द्वारा उन्हें अमानक गेहूं खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें राजनीतिक लोगों के नाम से डराया जाता है, जिस कारण वे अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आरबी एसोसिएट्स के मैनेजर मयूर जैन ने भी समिति प्रबंधक पर अमानक गेहूं की खरीदी करने के आरोप लगाए हैं। कोई समस्या नहीं है, चेकिंग सैंपल वगैरह तो लेते हैं हम लोग, लेकिन जो नॉन एफएक्यू माल होता है फिर वो दिक्कत देता है हमको। यहाँ पे बड़े बड़े किसान लोग भी बोलते हैं कि विधायक को फोन लगाएंगे, इनको फोन लगाएंगे। नहीं, हम तो छोटे से घर से हैं, कंप्लेन होती है तो डर तो लगता है। एमपी में 53 जिलों में हम लोग सर्वेयर काम कर रहे हैं, उज्जैन जिले में भी हमारे सर्वेयर काम कर रहे हैं। बच्चों को सिर्फ इतनी दिक्कत आती है कि समिति वाले या वेयरहाउस मैनेजर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को अच्छी सही तरीके से निष्पक्ष जाँच नहीं हो पा रही है, इसलिए हमारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि आपको गलत गेहूं या नॉन एफएक्यू देने के लिए आपको जो बात किया जा रहा है? जी, बात किया जा रहा है हम लोगों को, और ऐसा बोला जा रहा है जो भी माल आ रहा है नॉन एफएक्यू हो या एफएक्यू से तुलाई कराया जाए। हमारा सिर्फ इतना कहने का अनुरोध है समिति वालों से और वेयरहाउस मैनेजरों से कि जो भी किसान आ रहा है उसकी पहले अच्छे से टेस्टिंग हो, अगर नॉन एफएक्यू माल हो तो उसको किसान को समझाई दी जाए, ऑनलाइन रिजेक्शन किया जाए उसका, और समझाई दी जाए कि ये आपके माल में ये त्रुटि है, इसको आप साफ करके लाएं, डैमेज है तो उसका छलना लगवाएं, और ऐसा करवाने के बाद उसको अपन माल एक एफएक्यू में आ जाएगा तो उसे अपन अंदर लूट करेंगे। लोगों द्वारा आपको इस पर बातें किया जा रहा है? ये समिति प्रबंधक हैं, वेयरहाउस मैनेजर हैं, इन लोगों की वजह से। गौरतलब है कि आरबी एसोसिएट्स को उज्जैन जिले में 177 सर्वेयर नियुक्त करना है, जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री के आधार पर नियुक्त किया जाता है। फिलहाल जिले में कंपनी ने 155 सर्वेयर भेजे हैं, जो विभिन्न खरीदी केंद्रों पर किसान के अनाज का परीक्षण कर रहे हैं। हालांकि समिति प्रबंधक कुछ और ही रागा लापते नजर आ रहे हैं। विवाद की सूचना के बाद खाद्य आपूर्ति अधिकारी मोहन मारू भी मां हरसिद्धि वेयरहाउस पहुंचे और समझाइश देकर लौट आए। हालांकि इस विवाद के बारे में पूछने पर उन्होंने कलेक्टर का हवाला देते हुए कहा कि इस संबंध में उज्जैन कलेक्टर ही जानकारी दे पाएंगे। कुल मिलाकर वे मीडिया से बचते नजर आए। यहाँ पहले क्या है कि अभी एक सर्वेयर थी जो लेडीज थी तो वो बढ़िया काम कर रही है, पर दूसरा जो सर्वेयर भेजा था वो आपस में एक लड़ाई वड़ाई हुई है उनकी, आपस में कुछ हुआ कारण, उसकी वजह से वो कुछ दिक्कत आ रही है। क्या किस लड़ाई आपस में? आपस में वो दोनों सर्वेयर नहीं, वो आपस में ही नहीं, वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे ना, दो सर्वेयर आ जाते हैं, दोनों में आपस में ही सामंजस्य बनना चाहिए ना। नहीं, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पास कर देते हैं सर्वेयर तो उसको गेहूं तुलना है, उसका तो गेहूं तुल जाता है किसान का, तो हम उसका बिल बना देते हैं और क्या।